6 अगस्त 1945 का वो खौफनाक मंजर जब हिरोशिमा पर मौजूद 80,000 से भी ज्यादा लोग केवल पलक झपकते ही मौत की नींद सो गए और उन लोगों को तो अपनी मौत का कारण भी नहीं पता था। कितना खतरनाक रहा होगा अपनी मौत को देख पाना। हम बात कर रहे हैं हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए परमाणु बम के नजारे की। इन दोनों शहरों में हुए परमाणु बम विस्फोट में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। आज आप भी उस दिन के उस खतरनाक नजारे के बारे में सुनकर कांप उठेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे ज्यादा नुकसान जापान को ही झेलना पड़ा था। साल 1945 में जापानियों की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। 6 सालों से चल रहे लगातार युद्ध के कारण जापान के नेचुरल रिसोर्सेज पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर थे। महंगाई इतनी ज्यादा थी कि लोग खाने पीने की चीजों के लिए भी लड़ाई कर रहे थे। सड़कों पर केवल पैदल चलते लोग और आर्मी की कुछ गाड़ियां ही दिखाई देती थी। पेट्रोल की कीमत के कारण ये नॉर्मल लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो चुका था। सड़कों पर थोड़ा बहुत पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही जिंदा था, वो भी नाम मात्र के लिए। 6 अगस्त 1945 सुबह के 7 बजे का समय, जब हिरोशिमा में आर्मी के द्वारा एक अमेरिकी विमान के घुसने का अलर्ट जारी किया गया। हिरोशिमा के सभी लोग हमले की आशंका से घबरा गए और वो चलने वाले सारे रेडियो कार्यक्रमों को बंद कर दिया गया। जापान की स्थिति इतनी कमजोर थी कि वो इस हवाई जहाज की जवाबी कार्रवाई के लिए अपने प्लेन तक नहीं भेज पाया, क्योंकि उन्हें चलाने के लिए जापान के पास पेट्रोल ही मौजूद नहीं था। थोड़ी देर बाद ही विमान वापस चला गया। सभी लोगों ने सुकून की सांस ली, लेकिन सुकून की सांस लेने वाले इन लोगों को ये पता नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में ये सांस लेने के लिए भी मोहताज होने वाले थे। कुछ देर बाद उस विमान ने फिर से हिरोशिमा शहर में एंट्री की, लेकिन इस बार जापानी सेना निश्चिंत हो चुकी थी। उन्होंने सोचा पिछली बार की तरह ये विमान फिर से वापस चला जाएगा, लेकिन अब जो होने वाला था वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अभी तक इस युद्ध में जापान ने जो खोया था वो आने वाली तबाही के सामने कुछ नहीं था। 6 अगस्त की सुबह 8:15 बजे का समय हिरोशिमा के इतिहास का सबसे मनहूस दिन माना जाता है। उस अमेरिकी विमान ने हिरोशिमा पर 3.5 मीटर लंबा और 4 टन की वजन वाला एटम बम गिरा दिया, जिसका नाम लिटिल बॉय था। दूर से लोगों ने इस विमान से किसी चीज को गिरते हुए जरूर देखा, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि आखिर ये चीज है क्या। उस बम को जमीन तक पहुंचने में लगभग 43 सेकंड का समय लगा, और जब ये बम जमीन पर गिरा उसके 1 सेकंड के अंदर हिरोशिमा की 80% आबादी की मौत हो गई। इस बम का विस्फोट इतना खतरनाक था कि लगभग 12,500 टन TNT के बराबर ऊर्जा निकली। इस बम के कारण एक बहुत बड़ा आग का गोला बना, जिसे उस प्लेन में बैठे पायलट ने भी देखा। इस बम की गर्मी से बनने वाला आग का गोला इतना बड़ा था कि ये सूरज की तरह दिखाई दे रहा था। इस आग के गोले से लगभग 10 लाख सेंटीग्रेड से भी ज्यादा का तापमान जनरेट हुआ, जिसने उस जगह के 1 किलोमीटर में मौजूद सारी चीजों को पलक झपकते ही केवल राख बना दिया। इस बम विस्फोट से इतनी तेज रोशनी निकली कि हिरोशिमा के लोग पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपनी मौत को भी अपनी आंखों से नहीं देख पाए। उनको केवल इतना एहसास हो रहा था कि उनके शरीर की चमड़ी लटक चुकी है और चारों तरफ एक अजीब सी गर्मी है, जिसे उनका शरीर सहन नहीं कर पा रहा। मरने वाले लोगों में से अधिकांश तो अपनी मौत की वजह भी नहीं जान पाए। उस समय हिरोशिमा की आबादी लगभग 1 लाख के करीब थी, और उनमें से 80,000 लोग पलक झपकते ही उस बम विस्फोट में जलकर राख हो गए, जिनकी केवल हड्डियों के अलावा और कोई चीज मौजूद नहीं थी। और इस विस्फोट में जो लोग जिंदा बचे, उनके लिए आगे की जिंदगी मौत से भी बदतर होने वाली थी। हिरोशिमा में केवल कंक्रीट से बने मकानों को छोड़कर बाकी सभी मकान पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। लगभग हिरोशिमा की 2/3 बिल्डिंग्स जमींदोज हो चुकी थी, और जो बची थी उनमें भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ब्लास्ट की जगह से 15 किलोमीटर की रेडियस तक आने वाली हर मकान की खिड़कियां और दरवाजों के कांच चकनाचूर हो चुके थे, जो इस ब्लास्ट की तीव्रता को बयां करता है। एक जापानी सैनिक जो इस बम ब्लास्ट में सरवाइव कर गया था, उसके मुंह से उस घटना को बयां करे तो सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यामागुची जो जापानी सैनिक थे, जब उन्होंने उस परमाणु बम को गिरते देखा तब वो जमीन पर लेट गए, और जैसे वो परमाणु बम फटा उसकी तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि यामागुची जमीन से लगभग 1 फीट से भी ज्यादा ऊपर की तरफ उछलते थे। और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्हें केवल अंधेरे के अलावा और कोई चीज दिखाई नहीं दी। अपने हाथ से चेहरे को छूने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके चेहरे की चमड़ी लटक रही है।
यामागुची एक पेड़ के पास जाकर बैठ गए, जिस पेड़ की एक भी पत्ती नहीं बची थी। उस पेड़ की सभी पत्तियां जलकर राख हो चुकी थी। इस पेड़ तक पहुंचने के लिए यामागुची ने अपने जीवन का पूरा संघर्ष झोंक दिया। हर तड़पते हुए इंसान के मुंह से केवल एक ही चीज सुनाई दे रही थी, हमारी मदद करो। ब्लास्ट से जो गर्मी पैदा हुई थी उससे सभी लोगों का गला पूरी तरह से सूख गया था और सभी लोग पानी पाने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन उन्हें पीने की एक बूंद देने वाला भी वहाँ कोई नहीं था। जब यामागुची को अस्पताल ले जाया गया तब वहाँ का नजारा देखकर यामागुची अंदर से कांप गए। हर जगह लाशें पड़ी हुई थी जिनमें से कुछ जिंदा भी थे। अस्पताल में मौजूद सभी लोगों में एक चीज कॉमन थी और वो ये थी कि वहाँ मौजूद सभी लोगों के शरीर पर पूरी तरह से जले हुए थे। लेकिन दोस्तों, मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी बल्कि ये तो शुरुआत थी। बम विस्फोट से जो गर्मी पैदा हुई थी उसके कारण हिरोशिमा में बारिश होना शुरू हो गई और ये बारिश मौत बनकर हिरोशिमा पर बरस रही थी। इस बारिश को काली बारिश का नाम दिया गया क्योंकि ये कोई आम बारिश नहीं बल्कि रेडियो एक्टिव पदार्थ और अन्य हानिकारक पदार्थों की बारिश थी। ये बारिश एसिड रेन से भी ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव तत्व के अलावा धूल के कण आदि भी मौजूद थे। इस बारिश को काली बारिश के नाम से जाना जाता है, जिसमें पानी की बूंदों की जगह ग्रीस की तरह तेल बादलों से बरस रहा था। इस काली बारिश ने हिरोशिमा के बचे हुए लोगों की आने वाली जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। इसके कारण लोगों को स्किन कैंसर और भी बहुत सारी खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ा और उनके लिए उनकी बची हुई जिंदगी मौत से भी ज्यादा बदतर हो गई। हिरोशिमा के इस दिल दहला देने वाली घटना के केवल 3 दिन बाद ही अमेरिका ने जापान को फिर से एक ऐसा घाव दिया जिसका मरहम किसी के पास मौजूद नहीं था। 9 अगस्त 1945 को दोपहर के समय जापान के शहर नागासाकी में अमेरिकी विमानों ने एंट्री की। अमेरिकी विमान B-29 ने नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया जिसे फैट मैन का नाम दिया गया। इस बम को नागासाकी की जमीन तक पहुंचने के लिए लगभग 52 सेकंड का समय लगा और जैसे ही ये एटम बम नागासाकी में गिरा वहाँ का मंजर भी हिरोशिमा की तरह ही हो गया। इस ब्लास्ट के लगभग 8 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी घरों के कांच टूटे हुए पाए गए और इस बम गिरने वाली जगह के 1 किलोमीटर के अंदर मौजूद सारी चीजें जलकर राख हो गई। ग्राउंड जीरो से लगभग 1 किलोमीटर की रेडियस में मौजूद सभी जानवर और इंसान उसी समय जलकर राख हो गए। नागासाकी में लगभग 40,000 से भी ज्यादा लोगों की परमाणु बम गिरने के कुछ सेकंड्स के अंदर ही मौत हो गई। नागासाकी में भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण काली बारिश हुई और जिन लोगों पर काली बारिश के छींटे पड़े उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर होने वाली थी। इस बम विस्फोट में जिनकी जान बच गई थी उनके लिए जिंदगी आसान नहीं बल्कि मौत से भी खतरनाक सफर होने वाली थी। उन्हें तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ा और उनकी हर आने वाली पीढ़ी में इन बीमारियों के लक्षण साफ दिखाई देते हैं। उनकी हर पीढ़ी में किसी न किसी अंग में रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण कमी देखने को मिली है। दोस्तों, एटम बम की मार झेलने वाले ये शहर पूरी तरह से नेस्तनाबूत हो चुके थे, लेकिन फिर भी आज जिस स्थिति में ये शहर खड़े हुए हैं दुनिया के लिए ये एक सीख लेने वाली बात है। टेक्नोलॉजी में जापान का कोई मुकाबला नहीं है। परमाणु बम के हमले के 77 साल के बाद आज हिरोशिमा और नागासाकी ये दोनों शहर दुनिया के सबसे विकसित शहरों की श्रेणी में आते हैं। आज नागासाकी एक पोर्ट सिटी के रूप में डेवलप हो चुका है और वहाँ की जनसंख्या 4 लाख से भी अधिक है और वहीं हिरोशिमा शहर भी पूरी तरह से डेवलप है जिसकी जनसंख्या 12 लाख से भी अधिक है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड और फैमिली सर्कल में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।